सर सुनो सर सर प्लीज सर प्लीज एक बार सुनो सर सर एक बार सुनो सर सर एक बार सुनो है आवाज सुनो इधर इधर आ जल्दी प्रकार की मार्क होते हैं, इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता, ध्यान रखना। ये वेट इसका ज्यादा था पहले, फिर कम हुआ, उसकी वजह से इस प्रकार की मार्क हुए। वजन ज्यादा था ना पहले? अस्सी था, अभी कितना है? तो फिर ये स्ट्रेचिंग मार्क कैसे आगे पैरा वजन है? वजन के कारण आए बेटे, समझ गए? हो सकता है कि फेट तेरा स्किन का जो फेट है वो टूटा है, वजन के बिना नहीं आते स्ट्रेचिंग मार्क, समझ गए? और कौन है वो? अरे तुम अभी आए हो नहीं, नहीं। क्या नाम है? भवानी सिंह। कल आए हो ना? मैं 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए? भवानी सिंह बाल इतने बड़े क्यों रखता है? कहाँ से भवानी सिंह? सिक्का से आगे का पेपर देगा ना, इतने बड़े बाल कौन? अरे इसके तो अभी काट दी, फिर भी शेव हो रखा होगा। भवानी सिंह कब? 10 दिन मिले थे, अभी 10 दिन में मन लग गया? अब लग जाएगा, नहीं लगा क्योंकि अब तो इनकी जैसा हो जाएगा ना सबकी जैसे। इससे पहले कहीं तैयारी किया तो घर पे किया था, बालों से ज्यादा प्यार तो नहीं है? नहीं तेरे को लग रहा है मुझे प्यार है? नहीं नहीं, तेरी आवाज बता दे तू, हल्का हल्का ढीला पड़ रहा है बालों से, बातों लग रहा है, देख इसके लग रहा है हल्का सा प्यार है, बालों से प्यार नहीं करना, जब तक नौकरी नहीं मिलती है ना तब तक शरीर से प्यार नहीं करना, समझ गई बात को? मेहनत करने की आदत डाल दो, इसका फायदा ये है कि बाल सवारने का समय नहीं जाएगा, ठीक है? जब पेपर पास करो ना, कसम खा लेना कि बाल उसी दिन होगा ना तो नौकरी लगो, नहीं तो रखना मत, समझ गए? हाँ सिर्फ दाग लगने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है? देखिए तो नहीं हो रहा उदास, है उदास नहीं हो रहा है बालों के लिए उसका तो हाँ, वो इसका हर बार नहीं करता हूँ, इसके तो बाल उगड़ उगड़ नहीं पाते, समझ गए ना भवानी सिंह? मतलब पेपर पास करके फिर तेरे मर्जी हो वैसा अनुकरण,
जिस दिन पेपर पास करके आएगा ना उस दिन के बाद उसको बोले पूरा धोनी बन जाना महेंद्र सिंह, लेकिन तब तक नहीं किसी के भी नहीं उगने दूंगा, चिंता मत कर। तेरे अकेले में एक के भी सचिन जैसे छोटे छोटे वहां पर घूमे ना वो भी सेम रूप में मिलेंगे, ठीक है। बाकी भी साफ रहेगी बात। हाँ एज नहीं भी तेरी तो फिर बाल क्यों रखता है, जब तेरी एज नहीं है बाल क्यों रखता है भाई। 18 साल बाद रखना, जब 18 साल का हो जाएगा ना फिर अधिकार मिल जाएगा तेरे को बाल रखने, तब तक नहीं। ये देख अरे नुकसान देखो ना तुम खुद देख कितना डेंजर पड़ा है, तो तुम्हारे कुछ नहीं चलती क्या ऐसे बालों में चलती है ना। हाँ तो फिर क्यों रखते हो, अब देखे तकलीफ में चल जाए तो गुजली तू किस लिए उदास हो रखा है, रूठ रूठ रहा है मेरे से, कोई रूठ रहा नहीं क्या है खुशी जाए कर देव ये भी रोने लगे, रो रहा है खुशी क्या खुशी क्या आंखें दिए नहीं खुशी क्या तो भाई ये मशीन ये मुझे लग रहा है मेरा साथ नहीं देगी ए अंदर मशीन चार्ज रखी हो देखो क्या नाम है तेरा जय एज कितनी है 16 साल की। वजन कितना कम कर लिया तूने 27 ये देखो 27 kg वजन कम किया, इसकी चमड़ी से आपको पूरा जाहिर हो जाएगा यहाँ हर जगह से। कितने केजी वजन के साथ आया था 97 अभी कितना है 70 मतलब 27 kg वजन कम हो गया है, देख लो बहुत बढ़िया ना लुक अच्छा लग रहा है मेरी माँ बात वैसे ऐसे वो तेरे पीछे ये क्या पहले था भाई तुमने तेजा जी महाराज का तेजा जी का भगत है ऐसा, क्या नाम है तेरा शिव नारायण चौधरी, कहाँ से चौधरी नागौर क्यों से तभी तेजा जी महाराज की पूजा कर रहा है भाई, लेकिन तेजा जी महाराज ने बोला कि बाल अच्छे नहीं होते वो मिले इसकी आवाज तो अच्छी है बाल नहीं कैसे काटेंगे मशीन इसकी है तेरी मशीन है अरे आज वाह भाई दूध का पैसा दा ये मशीन इसी की है, अच्छी मशीन क्यों नहीं रखता है क्यों ए बाल ये आज तो मैं काट रहा हूं अगली बार तुम खुद ही काट लेना, ए सुन रहे हो आज तो मैं काट रहा हूं अगली बार खुद ही काट लेना, और जब तक पेपर पास नहीं करो तब तक तकलीफ में बाल नहीं होना चाहिए, ताकि पहचान रहेगी भाई कौन पेपर पास कर लिया कौन नहीं कर लिया, चिंता मत करो ये सिग्नेचर स्टेप है अपनी एकेडमी का, आज के बाद में नया एडमिशन भी होगा ना वो साइन करा के फिर जाएगा, पहले उसकी कटिंग होगी यहाँ और बिल्कुल चकाचक समझ गए, विद्यार्थी जीवन में समय खराब करने का नहीं होता है समझ लो बात को, बालों में समय ऐसे बिल्कुल चकाचक। अरे मेरे को कोई नहीं बोल रहा काटने के लिए, क्यों रखता हूँ क्योंकि एक मौका पानी से पूरा शरीर धुल जाता है, नहीं तो फिर बालों में शैम्पू लगा और साबुन और फिर बालों को सेट करो ऐसे, तुम अभी कल जाओगे ना शीशे के सामने ऐसे देख के सेट है भाई नहीं रोशनी कर ऐसे पड़ोस में करे अरे सेट करे जल्दी ब्रांड कर समझ रहा है आपको, ये ठीक हो गया बहुत अच्छी। अब नापते हैं भाई इसकी हाइट, हाँ थोड़ा सा नीचे थे ज्यादा ऊपर नहीं, क्या नाम है जयदीप, उम्र कितनी है जयदीप 16 साल 4 महीने, हाइट तेरी कितनी है 177 सेंटीमीटर ठीक है, अरे 16 साल 4 महीने का हुआ 27 kg में वजन कम कर लिया, ये उसका प्रूफ है भाई ठीक है ओके। कौन रह गया भाई सरिया, अरे ये रहा था सामने तो सामने खड़ा है बाल लेके, क्या नाम है प्रीतम सैनी, प्रीतम सैनी कहाँ से, ये चाबी किसके लेके आया भाई बैग के लॉक की, इतना क्या इम्पोर्टेंट डाल लगा भाई इसमें कुछ नहीं तो खाने पीने के लिए भी लोग लगाना पड़ रहा है, निकाल लेते हैं पड़ोसी पड़ोसी कोई भी निकाल ले, पड़ोसी राजी के राजा या राजकुमार कोई भी निकाल ले, कोई भी निकाल ले तो उसका तो इलाज साथ में लेके चलता है सर, देख लो बाल इधर वो बताते अंडे वाली बात सही हुए कि नहीं हुए तेरे बाल सही हो गया ना
तो जिनके भी सर पे डैंड्रफ है ये देखो बिल्कुल मुलायम हो गए, आ जाए इधर काट दे बाल, ऐसे हो चाहिए खुशी है, क्या करना है बालों पर उड़ रहे भाई, एक बार में सलाइड साफ कर दी रहे, एक तेरी तो अच्छी है भाई मशीन, ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम बनता है तुम, तो फिर तुम के बाल क्यों नहीं काटता इसे जाने का भाई, एकेडमी आने से पहले या तो आप खुद करवा के आ जाना, नहीं तो मैं कर दूंगा, ये काम भी मुझे आता है, खुद करवा के आओगे 150 रुपए लगेंगे और मैं करूंगा तो फ्री, अरे किसी को रुपए लिए भी नहीं फ्री है भाई ये बिल्कुल सुविधा फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं, फीस में इंक्लूड है, अलग से इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई लिया तेरे से चार्ज, फिर क्यों बोल रहा है मोटा मोटा हो गया, ठीक है भाई इधर, क्या नाम है, प्रीतम सिंह, प्रीतम सैनी, ये प्रीतम सैनी तेरी हाइट है 171.5, थोड़ा नीचे देख भाई, हाँ कितनी हाइट है 171.5 पक्का बोला कार्ड 171.5 बाल काट तो रहा हूं मैं, लेकिन पढ़ कर लेना, जब पेपर पास करो तभी वापस बाल उगाने, उससे पहले साप्ताहिक ठीक है, पढ़ है तू क्या पढ़ लेगा, तेरे बाल ही नहीं, लेकिन जो है ना उनसे भी लेना दूंगा मैं, आज क्या नाम है, राम किशोर, कहां से राम किशोर, क्यों सर से, अच्छा सीधा खड़ा हो गया राम किशोर, कितने आए थे देखिए, अभी आर्मी वाला पेपर देगा पक्का, एज कितनी, 17 साल 6 महीने, फॉर्म भरा जाएगा तेरा पक्का, देख लिया तुम चेक करिए, देख ले फिर बालों की आहुति दी जा रही, काट दे, मना भी करेगा तो भी कटेगा, हर बार कटाता है, हाँ इससे ज्यादा प्यार नहीं करना लड़के, ठीक है जिस काम के लिए आए हो ना, ए आवाज नहीं, जिस काम के लिए आए हो ना वो काम करना है, ठीक है, ये बालों में समय व्यतीत नहीं करना है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने बाल रखने के लिए, समझ रहे हो बाप को, अरे तो नौकरी लगे होगे ना, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने बाल रखने के लिए, इस उम्र में बालों का कोई शौक नहीं होना चाहिए तुमको बिल्कुल भी, ये उनको होना चाहिए जो कबूतरियों के पीछे जो गुटर गु करने वाले कबूतर होते हैं ना, उनको चाहिए बाल, बाजों को बालों की जरूरत नहीं होती है, समझ गया, तो इसलिए बाल बनना है, हम दूर से पहचाने जाएंगे हाँ इस काम का आदमी नहीं भाई, जिसमें जुनून होता है ना वो अलग होता है, और वैसे अलग ही रहना, ज्यादा कबूतर बनने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो पंख मैं काट दूंगा, पंख 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 जोर से बोल सर, आप काट दोगे, तेज बोल पंख, हाँ तो इसलिए कबूतर नहीं बनना है, अगर तैयारी करते हो ना तो ज्यादा अपने लुक के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है, अरे ज्यादा ये जो जिनको लोंडियाबाजी करने लगे ना इधर उधर नैन मटक के, उनको चाहिए लुक, तुमको नहीं, तुम जिस उद्देश्य से आए हो ना, किस उद्देश्य से आए हो पता है, नौकरी लगना उद्देश्य है, तो सिर्फ उसकी तरफ होना चाहिए, देखो बिना गए ऐसे रहता है बिल्कुल चकाचक, सुंदर तो सुंदर लगता है, और सुंदर ना ही लगे क्या तकलीफ है, अरे इंसान सुंदर अनुरूप से थोड़ा ना होता है, अंदर से होता है, उसकी आत्मा कैसी है, ठीक है, यहाँ पर तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा करने आए, इसलिए ज्यादा इनके चक्कर में कबूतर बनना ही नहीं है जीवन में कभी, ठीक है, बाज ही बनना है, हाँ तो वैसे रहना है, ऐसे ऐसे देखिए कर का सेट, इतना वजन नहीं है इसमें जितने बाल सेट कर रखा है, है? इधर आता तू, हाँ आजा, क्या नाम है, कुलदीप सिंह, पिछली बार भी कटे थे तेरे बाल सही, अरे इधर हो जा भाई, बाकी मैं करेंगे शाम, तो कुलदीप सिंह बहुत छोटू लगा, अरे छोटू कहाँ है, छोटू इसकी हाइट तो सही है, कुलदीप सिंह आर्मी का पेपर देगा ना,
क्यों? ओहो हो, तो अभी ये बच्चा फिर इसको अभी छोड़ देते हैं पेपर दे। अभी कितनी है जी? 16। हाँ फिर अभी ये थोड़े से 5-6 महीने दूर है। आ जा भाई छोटू, आ जा, आज का पेपर देगा तू भी। अरे दादा 15 साल है। अरे किसी को बता मत, 16 साल से नीचे कोचिंग नहीं करा सकते। नहीं भाई 16 बता, बता 16। 16 साल कोचिंग नहीं करता भाई, स्कूल करता है। स्कूल में पढ़ रहा ना? हाँ वही बताना, नहीं तो फिर डेली मैं निकाल दूंगा बाहर। गवर्नमेंट का नियम है स्कूल का। हाँ बस स्कूल भी है हमारी, स्कूल भी है हमारी। इसकी हाइट जाएगी 2 सेंटीमीटर हाइट है, 15 साल हुई। आ जा भाई लेगा सुरेंद्र, कहाँ लेगा? आ जा लेगा, आ जा आ जा। अरे लेगा, आर्मी का दिया है ना पेपर, देगा। उम्र हो गई ना, तो उम्र होगी तो बाल क्या करे सर पहले का काट देंगे ना। सचिन तू केशव के नाम बता रहा है सर? अब मेरे जो बच्ची के बालों से ज्यादा दोस्ती नहीं करनी भाई, ये बालों की आहुति आज, ठीक है? और ये आज नहीं, जब तक आर्मी का पेपर नहीं हो जाता तब तो तुम्हारे किसी के शरीर पे बाल होने नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, पेपर के बाद जो तुम्हारी जैसी इच्छा हो ना वैसा रखना, ठीक है? क्योंकि समय खराब नहीं करना। कितने दिन बचे हैं पेपर में? 2 महीने। किसने काट है? 1.5 महीने ही बचा है, तो इसलिए बालों में इनमें झलकियां लगाने की जरूरत नहीं है। उसको देख रहा है, उसके भी काटेंगे, पहले तेरे तो काट ले। या तो आप खुद बाल ऐसे करा के आ जाना, नहीं तो हम आते ही कर देंगे पहले ही दिन। अब तो एंट्री भी बाल कटिंग के साथ ही होगी अकेडमी गेट में। स्टेशन में ज्यादा फैशन में नहीं रहना है, शाबाश। हाँ ये ऐसे लाइन तो सही सही। ये देखो तुम खुद देखो इसके सर पे डेंड्रफ देखो बच्चे, ये देखो, ये जब सर में इतना डेंड्रफ होता है तो उसकी वजह से पता क्या होता है, खुजली चलती है, इनकी भी चलती है लेकिन खुजाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है? ये देख ले इधर, देख देख ये देख, ये देख खुजाता ना खुजा। तो भाई इसमें क्या प्रेम करना विद्यार्थी जीवन में, आज जब बड़े हो जाओ तब इसका भी इलाज बताया था क्या करना है, अंडे से शरीर की मालिश करनी है, ठीक है? लेकिन विद्यार्थी जीवन में तो बालों का क्या रखा आप करते हो? हाँ आ जाए आखिरी बार बालों में आगे माल क्या नाम है और अब कितने महीने तक बाल नहीं आने चाहिए? जब तक नौकरी तब तक बाल, पक्की बात है, पढ़ है। देख ले जब तक आर्मी का पेपर पास नहीं करेगा ना, वो आर्मी का रह गया तो फिर आगे नहीं रखने दूंगा, फिर पास कर लिया तो रख सकता है। क्लियर है? पढ़ना चलो लेकिन इसके बाल बहुत अच्छे हैं भाई, वाकई में दिखा देंगे बाल अच्छे इसके, इसलिए है कि इसके बाल सीधे सीधे हैं। मेरे को तुम मोटिवेट कर रहे हो रे, अब तो मैं पक्का कर दूंगा अकेडमी में हर एक बंदा ऐसे ही रहेगा, ठीक है? बालों के साथ नहीं रहेगा। कौन विशाल? भाई इतना सुंदर आदमी है, क्या नाम है? विशाल। विशाल पकड़ मैं इसको, सीधा रेस। क्या नाम है? हाथ कर दीजिए सामने, हाथ लग गए क्यों कर लेते हैं, सीधे कर लेते। डर के मारे अभी, डर के मारे। हाँ
तभी मैं सोच रहा हूँ बायोग्राफी की आरसीपी पड़ गई होगी। पड़ गई होगी। अरे दादा कैमरामैन के पीछे कौन जा रहा है? क्या नाम है? अरे तू कहाँ जा रहा है? सुनील आर्मी का देखा पेपर? अगर पास नहीं किया पेपर तब तक बाहर पक्का है। अरे रुक जा। हाँ तेरे काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे, इसको जल्दी है भाई। पक्का? कहाँ से? क्या नाम है? जोधपुर से। सुनील। सुनील देख ले आर्मी पेपर जब तक पास नहीं किया, आर्मी का नहीं जब तक नौकरी लगी सर पे बाल नहीं लगी। ठीक है पक्का? पक्का। ये ऐसे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ये निकाल लेगा इस बार पेपर, पक्का निकाल लेगा पेपर। मुझे थोड़ा सा ज्यादा मन पड़ गया ये बाकी का नहीं, क्योंकि उसको रखना है उसको ऐसे नॉर्मली टेकला रहना है क्या पता पेपर पास ना करे। आना मनपाल कर लेगा पेपर पास है? टेंथ क्लास चल रही है ना, तुमको बताया क्यों नहीं पहले? आजा 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 आजा। ये देखो भाई कितना सुंदर लड़का है, क्या नाम है? विशाल। विशाल और बाल काटने के बाद में और भी सुंदर लगेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक नौकरी नहीं तब तक सुंदर नहीं लगेगा, नौकरी लगने के बाद में। अभी अरे सुनो मेरी बात, अभी सुंदर लगेगा फायदा क्या, लड़की वाला देखने आएंगे? जब नौकरी लग जाओगे तब आएंगे लड़की वाला देखने। उस समय ना बालों पे यहाँ कट है, आईब्रो पे कट है, यहाँ दाढ़ी में यहाँ कट है, ठीक है? अभी तो एक ही कट रखना है, वो है ये। क्या नाम बताया? विशाल। हाँ विशाल। विशाल कहाँ से? विशाल जयपुर। जयपुर से? प्रॉपर जयपुर से? विशाल बाल बहुत अच्छे थे इसीलिए मंगाया था। ये ध्यान रखना जब तक आदमी का पेपर नहीं होता तब तक बाल नहीं पास नहीं होता। किसका पेपर? मेरा ही है सर। फर्स्ट की पकड़ मेरे ही साथ में है। आवाज नहीं बाकी वापस आते कर देना, वापस ले आएगा सर, वापस आते कर देना। क्या तू करा के आ जा, पेपर देखे जब आएगा सर। भी हम दोनों ही गांव से समस्या नहीं है सर, मेरे मामा बोलेंगे तो और केस के नहीं काटे सर। वो क्या बोलते हैं रोड सर? पेपर हमारा है अपनी नहीं मिले पेपर रोड। वो क्या बोल रहा है सर? वापस आते हैं तो सर पेपर मेरे ही है इसके साथ दोनों में बोले नहीं पेपर तेरा भी है। बाल वापस कब होगा? नहीं अभी पेपर पास होने वाला है। ये पढ़ ले रहे भाई यार कि जब तक पेपर पास नहीं होंगे तब तक बाल नहीं रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते भाई बाल। अभी ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? गौरव। गौरव आर्मी का पेपर है कब है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल तो देख लेना, घर पे फोन लगा के पूछो क्या स्टाइल की तरह इसका तेरे पापा से फोन बाल काटने के सर कॉलेज में पेपर हुआ दिया कब है? 29 को। अरे भाई वही खराब होगा कॉलेज में खराब होगा। अरे इतना सोचो इतना सुंदर लड़का कॉलेज चला जाएगा तो मतलब ये तो फिर तो पढ़ लिया फिर तो आर्मी में कभी पास नहीं हो पाएगा ये हैं हां। ये कॉलेज वाले पेपरों में तो सिस्टम गड़बड़ होता है, अब वहां कबूतर को कोई नहीं देखेगा। हाँ वो भी जाएगा क्या ए आवाज
चेहरा में करो ए अवानी जब कोई कॉलेज की पेपर की छुट्टी दी थी ना तो फिर कैसे तो मैं कैसे भेज सकता हूँ तेरे को अब मैं भेज सकता हूँ इस स्थिति में तो कॉलेज का पेपर दे के आ सकता है ठीक है इस बार छुट्टी के लिए मना नहीं करूंगा एक भी चाहिए बोल एक नहीं शादी वादी में नहीं मिलेगी तो सर पेपर ही जाना जब कौन पूछ रहा वापस आएगा कहाँ जाएगा एक बार बालों से इतना प्यार क्यों तेरे को घर पे जागरण है तो उसमें बालों का क्या काम है।